हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। अगर आप एक 110 सी सेगमेंट में कोई बाइक खरीदने की सोच रहे होंगे, अगर आप होंडा कंपनी और टीवीएस कंपनी में से कंफ्यूज हैं कि इन दोनों में से कौन सी बाइक 110 सी सेगमेंट में लेना अच्छा रहेगा, कौन सा आपके बजट के अंदर आएगा और किसमें क्या फीचर्स मिलते हैं, ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। यानी कि इस वीडियो में होंडा के 110 सी सेगमेंट की बाइक होंडा लिवो और टीवीएस के 110 सी सेगमेंट की बाइक टीवीएस स्टार्स टी प्लस के बीच में मैं कंपैरिजन करने वाला हूं। आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी ज्यादा बेहतर है और कौन सा आपके बजट के अंदर आ सकता है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके कलर ऑप्शन से। तो होंडा लिवो में केवल आपको चार कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें एथलेटिक ब्लू मेटेलिक, ब्लैक, इंपीरियल रेड मेटेलिक और मैट एक्सिस ग्रे मेटेलिक शामिल है। ये चार कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसके डिजाइनिंग की अगर बात करें तो इसे आप फ्रंट से देख सकते हैं, इसमें काफी स्पोर्टी लुक आपको मिल जाता है। इसकी फ्रंट जो वाइजर है वो भी आपको डुअल टोन कलर ऑप्शन मिल जाएगी, यानी कि बॉडी कलर और ब्लैक फिनिश के साथ मिल जाती है और ये फ्रंट से काफी स्पोर्टी लुक भी देता है। तो इसके साइड व्यू की बात कर लेते हैं तो ये साइड से भी काफी स्पोर्टी लुक देता है, क्योंकि इसकी टैंक डिजाइनिंग काफी अच्छी है। टैंक में आपको मस्कुलर टैंक डिजाइन मिल जाता है, जहाँ पे लिवो की ब्रांडिंग मिल जाती है, काफी अच्छी ग्राफिक्स की गई है। इसके अलावा होंडा का लोगो यहाँ पे लगा हुआ है। साइड वाले पैनल पे लिवो के स्टिकर मिल जाता है, जहाँ पे ब्लैक फिनिश की देखने को मिल जाती है। इंजन यहाँ पे ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है, एग्जॉस्ट भी यहाँ पे ब्लैक मिल जाता है। सीट आपको फ्लैट मिल जाती है सिंगल लेयर की, पीछे ग्रैब रेल भी दिया गया है। इसके अलावा इसके रियर व्यू की बात करें तो इसमें आपको स्टाइलिश टेल लैंप भी मिल जाता है। तो टीवीएस स्टार सिटी प्लस की बात करते हैं तो इसमें ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक दो ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके ड्रम ब्रेक वेरिएंट में छह कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें ब्लैक रेड, ब्लैक ब्लू, ग्रे ब्लैक, रेड ब्लैक, व्हाइट ब्लैक और एक नया कलर ऑप्शन ब्लू सिल्वर शामिल है। यानी कि इस बाइक में ज्यादातर पार्ट ब्लैक कलर के दिए गए हैं, यानी कि कलर ऑप्शन में भी आपको ब्लैक कलर ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके डिस्क ब्रेक वेरिएंट में दो कलर ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें ब्लैक रेड और ब्लू सिल्वर शामिल है। तो आपको थोड़ी सी ज्यादा कलर ऑप्शन स्टार सिटी प्लस में देखने को मिल जाती है। तो इसके अगर डिजाइनिंग की बात करें तो इसका भी लुक फ्रंट से काफी अच्छा, काफी स्पोर्टियर दिखता है। फ्रंट में वाइजर भी काफी स्टाइलिश दी गई है, जहाँ पे हेडलैम्प के दोनों साइड पे हल्की सी ग्राफिक्स भी दी गई है और यहाँ पे जो मिरर दिया गया डुअल टोन कलर ऑप्शन का दिया गया है। हालांकि आपको लिवो में बॉडी कलर का मिरर देखने को मिल जाता है। तो इसके साइड व्यू की बात करें तो ये साइड से उतना स्पोर्टी नहीं लगती है जितना कि लिवो देखने में लगती है, क्योंकि इसकी टैंक डिजाइन थोड़ी सी बेसिक दी गई है। अगर इसकी टैंक डिजाइन थोड़ी सी स्टाइलिश होती तो ये ज्यादा परफेक्ट रहती। यहाँ पे टैंक पे ग्राफिक्स दी गई है, जहाँ पे टीवीएस का लोगो मिल जाता है। साइड वाले पैनल पे स्टार सिटी प्लस का बेसिक मिल जाता है, जो कि 3D में देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसमें जो सीट दी गई है वो आपको डुअल टोन कलर ऑप्शन मिल जाती है। इसके अलावा पीछे ग्रैब रेल भी दिया गया है और यहाँ पे एग्जॉस्ट भी थोड़ी सी स्टाइलिश दी गई है। यहाँ पे इंजन भी आपको ब्लैक फिनिश के साथ मिल जाती है, लेकिन वही इसके रियर व्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको बेसिक सा टेल लैंप मिल जाता है। तो ये था इन दोनों के कलर डिजाइनिंग। तो जिसकी आपको डिजाइनिंग और कलर पसंद है उसको आप ले सकते हैं। तो वही आगे बात कर लेते हैं इन दोनों के इंजन की। तो होंडा लिवो में 109.5 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक SI प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। तो ये टीवीएस स्टार सिटी प्लस में 115.45 cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। तो ये होंडा लिवो का इंजन 7500 RPM पर 6.47 किलोवाट का पावर, जबकि 5500 RPM पर 9.30 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो स्टार सिटी प्लस का इंजन 7350 RPM पर 6.03 किलोवाट का पावर, जबकि 4500 RPM पर 8.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और इन दोनों बाइक्स में 4 स्पीड तक गियरबॉक्स दिया गया है और दोनों में एक किक और सेल्फ स्टार्टर दोनों मिल जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों के पावर फिगर को देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़े से ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ होंडा लिवो मिल जाती है। तो आगे बात कर लेते हैं इनके सस्पेंशन की। तो होंडा लिवो के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन दिया गया है, जो कि 5-स्टेप एडजस्टेबल के साथ आता है। तो टीवीएस स्टार सिटी प्लस के फ्रंट में टेलीस्कोपिक ऑयल डैम और रियर में 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर सस्पेंशन दिया गया है। तो यहाँ पे कंफर्टेबल के मामले में दोनों बाइक कंफर्टेबल है, क्योंकि दोनों में ही 5-स्टेप तक एडजस्टेबल और फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है। इसके अलावा चाहे तो इन दोनों का टेस्ट राइड लेकर अपना कंफर्टेबल खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं इन दोनों के टायर और ब्रेक्स की। तो होंडा लिवो के फ्रंट और रियर में 80x100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर, तो टीवीएस स्टार सिटी प्लस के फ्रंट और रियर में 17 इंच का ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो होंडा लिवो के फ्रंट में 240mm का डिस्क ब्रेक और 130mm का ड्रम ब्रेक, जो कि ऑप्शन मिल जाता है। तो इसके रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। तो टीवीएस स्टार सिटी प्लस के फ्रंट में 240mm का डिस्क ब्रेक और 130mm का ड्रम ब्रेक, जो कि ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन इसके रियर में 110mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। तो यहाँ पे टायर साइज भी थोड़ी सी ज्यादा लिवो मिल जाती है। इसके अलावा ब्रेकिंग सिस्टम दोनों में फ्रंट में सेम दिया गया है, लेकिन रियर में थोड़ी सी ज्यादा अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम होंडा लिवो में मिल जाती है। आगे बात कर लेते हैं इन दोनों के फीचर्स की, कि क्या क्या फीचर्स इन दोनों बाइक से मिल जाते हैं। तो होंडा लिवो में CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, तो टीवीएस स्टार सिटी प्लस में SBT यानी कि सिंक ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी दी गई है। दोनों ही सिस्टम का सेम काम है, बस नाम में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा।
होंडा लीवो में हैलोजन डीसी हेडलैम्प मिल जाता है, लेकिन स्टार सिटी प्लस में एलईडी हेडलैम्प दिया गया है। होंडा लीवो में स्टाइलिश टेल लैम्प मिल जाता है, लेकिन स्टार सिटी प्लस में आपको बेसिक सा टेल लैम्प डिजाइनिंग देखने को मिलती है। होंडा लियो में डिजिटल एनालॉग मीटर मिल जाता है, जिसके एनालॉग में स्पीड की जानकारी मिल जाती है। तो इसके डिजिटल मीटर में ऑडोमीटर, फ्यूल, क्लॉक और सर्विस रिमाइंडर की जानकारी मिल जाती है। तो स्टार सिटी प्लस में भी डिजिटल एनालॉग मीटर मिल जाता है, जिसके एनालॉग में स्पीड की जानकारी मिल जाती है। तो इसके डिजिटल में फ्यूल, ऑडोमीटर और यहाँ पे इको मोड और पावर मोड इंडिकेटर भी दिया गया है। होंडा लियो में इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप स्विच दिया गया है, लेकिन आपको ये स्विच स्टार सिटी प्लस में देखने को नहीं मिलती है। होंडा लियो में साइलेंट स्टार्ट विथ एसएसजी मोटर मिल जाता है, जिससे कि बाइक साइलेंटली स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ आपको सिस्टम स्टार सिटी प्लस में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वही स्टार सिटी प्लस में यूएसबी सॉकेट दिया गया है, जिससे कि मोबाइल आप चार्ज कर सकते हैं। ऐसा होंडा लियो में देखने को नहीं मिलता है। होंडा लियो में ब्लैक एग्जॉस्ट क्रोम कवर के साथ मिल जाता है। तो स्टार सिटी प्लस में भी स्पोर्टी डुअल टोन मफलर दी गई है। होंडा लियो में लंबी और कम्फर्टेबल सीट मिल जाती है, जो कि ब्लैक फिनिश के साथ आती है, लेकिन स्टार सिटी प्लस में प्रीमियम डुअल टोन कलर की सीट देखने को मिल जाती है। होंडा लियो में बॉडी कलर का मिरर दिया गया है, तो स्टार सिटी प्लस में डुअल टोन मिरर मिल जाता है। तो इतने सारे फीचर्स लगभग आपको इन दोनों बाइक से मिल जाते हैं, और इनके फीचर्स में कितना डिफरेंस है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आगे बात कर लेते हैं माइलेज और टॉप स्पीड की, लेकिन माइलेज और टॉप स्पीड बताने से पहले मैं क्लियर कर दूं, जो भी माइलेज टॉप स्पीड बताऊंगा फिक्स नहीं होगा, थोड़ा सा ज्यादा कम भी हो सकता है। तो होंडा लियो में 60-70 एमपीएल तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाएगी, तो स्टार सिटी प्लस में 70-75 की एमपीएल तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाती है। तो अगर आपको ज्यादा फ्यूल इकोनॉमी वाली बाइक चाहिए, ज्यादा माइलेज वाली बाइक चाहिए, तो ऐसे में आप स्टार सिटी प्लस को ले सकते हैं। तो टॉप स्पीड की बात करें तो होंडा लिवो की टॉप स्पीड 95 की एमपीएस तक है। तो स्टार सिटी की जो टॉप स्पीड है, कंपनी क्लेम करती है 90 की एमपीएस तक। तो यहाँ पे टॉप स्पीड थोड़ी सी अच्छी आपको होंडा लिवो में मिल जाती है, क्योंकि इसमें इंजन भी थोड़ा सा ज्यादा पावर की दी गई है। तो आगे बात कर लेते हैं इनके डायमेंशंस की। तो होंडा लिवो का लेंथ 2020 mm, वी 751 mm, हाइट 1116 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm, व्हील बेस 1278 mm, सीट हाइट 790 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 9 लीटर और इसका कर वेट 115 kg है। तो स्टार सिटी प्लस का लेंथ 1984 mm, विथ 750 mm, हाइट 1080 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 172 mm, व्हील बेस 1260 mm, सीट हाइट 785 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर और इसका कर वेट 115 kg से लेकर 116 kg तक है। यहाँ पे इन दोनों में थोड़ी सी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस स्टार सिटी प्लस में दी गई है। तो इन दोनों में थोड़ी सी कम सीट हाइट आपको स्टार सिटी प्लस में ही मिल जाती है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी ज्यादा आपको स्टार सिटी प्लस में मिल जाती है। तो यहाँ की बात कर लेते हैं इन दोनों के प्राइस की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो होंडा लिवो 110 का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस ड्रम ब्रेक वेरियंट के साथ 69,971 यानी कि 69,971 रुपए तक है। तो इसके डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ एक्सरूम प्राइस 74,171 यानी कि 74,171 रुपए तक है। तो अगर इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इसका ड्रम ब्रेक वेरिएंट अप्रॉक्स दिल्ली में 81,500 रुपीज तक मिल जाएगी। तो इसके डिस्क ब्रेक वेरिएंट का ऑन रोड अप्रॉक्स प्राइस दिल्ली में 86,120 यानी कि 86,120 रुपए तक है। तो टीवीएस स्टार सिटी प्लस का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस इसके ड्रम ब्रेक वेरिएंट के साथ 66,895 यानी कि 66,895 रुपए तक है। तो इसके डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ 69,465 यानी कि 69,465 रुपए तक है। अगर इस बाइक की ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इसका ड्रम ब्रेक वेरिएंट का ऑन रोड अप्रॉक्स प्राइस दिल्ली में 78,088 यानी कि 78,088 रुपए तक है। तो इसके डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ ऑन रोड अप्रॉक्स प्राइस दिल्ली में 80,658 यानी कि 80,658 रुपए तक है। यहाँ पे इन दोनों बाइक्स का फिगर को देख सकते हैं। यहाँ पे होंडा लिवो थोड़ी सी आपको ज्यादा महंगी मिल जाती है, क्योंकि होंडा लिवो का जितना आप ड्रम ब्रेक वेरिएंट लेते हैं उतना में आपको स्टार सिटी प्लस का डिस्क ब्रेक वेरिएंट मिल जाता है। और स्टार सिटी प्लस में आपको फीचर भी कोई कम नहीं मिलते हैं, हालांकि डिजाइनिंग थोड़ी सी अच्छी आपको होंडा लिवो में मिल जाएगी, बाकी फीचर्स में कोई भी ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस भी आपको दोनों में अच्छी मिल जाती है, दोनों ही बाइक कंफर्टेबल भी हैं। लेकिन वही स्टार सिटी प्लस को आप रफली यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में इन दोनों बाइक्स से रिलेटेड मैंने आपको सारे जानकारी दे दी है, और इन बाइक्स का लेटेस्ट प्राइस क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो जो आपके बजट के अंदर आए या फिर जो बाइक्स आपको पसंद आए उसको आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप किसी और बाइक के बीच में कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। इन दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक आपको पसंद आए या फिर आप कौन सा यूज़ करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।